ठीक है अंकल, मैं काम करता हूँ। मैं सुनीता के घर जाकर उनसे पूछता हूँ, अगर आज रात पार्टी में आ सके तो कितनी अच्छी बात होगी। तुम रहने दो। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपना काम करो। आई मीन पार्टी ऑर्गेनाइज करो। रहा सवाल सुनीता का तो उससे मैं खुद बात कर सकूंगा, और हो सका तो उसे ले भी आऊंगा। ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम श्योर आप जाओगे तो उन्हें जरूर लेकर आओगे। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी सिलेक्ट करो, गेट रेडी फॉर द बैश। तुम दोनों कब तक यहाँ खड़े रहोगे? कम ऑन, लेट्स गो ऑन द डांस फ्लोर। चले संध्या? नहीं नीरज जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। आप समझाइए। हाँ नीरज, तुम लोग जाओ, हम लोग यहाँ ठीक है। नहीं नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। ये पार्टी तुम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, तो तुम दोनों को डांस करना ही होगा। कम ऑन युवराज। अरे मगर नीरज भैया प्लीज, चलो ना डांस करते हैं। मगर चलो ना भैया, भाभी प्लीज। युवराज कोई बहाना नहीं, चलो। अरे चलो चलो। अच्छा संध्या, जरा ध्यान से सीढ़ियाँ आके, धीरे धीरे धीरे। नीरज को यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, क्या आपने उसे बताया? हमारा युवराज वाकई बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम जैसी दुल्हन मिली। जी, आप? मैं सुनीता। घड़ी दीजिए जी। तो आप भी? ये नीरज को यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, क्या आपने उसे बताया? नहीं, अभी नहीं। अरे तो भाई साहब बताइए ना कि उसे यहाँ नाचने गाने के लिए हमने नहीं बुलाया है। आज इंजॉय करने दो उसे, कल इत्मीनान से बात करेंगे।
संध्या तुम यहीं बैठो, मैं तेरा वॉशरूम होकर आता हूँ। हमारा युवराज वाकई बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम जैसी दुल्हन मिली। जी आप? मैं सुनीता हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सकी। सुनिए चाची, तुम भी मुझे इसी नाम से बुलाने लगी। घर के सारे बच्चे मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे हम दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। उस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा था। ये तुम क्या बातें कर रही हो? नहीं चाची, आप ही थी। मैं देख नहीं सकती लेकिन किसी को भी एक बार छू लूं तो उसका एहसास नहीं भूलती। मैं छूकर किसी को भी पहचान सकती हूँ। आपने ही उस रात को मेरा हाथ पकड़ा था क्या? ये तुम क्या कैसे? लेकिन मैं तो आज ही आई हूँ ना। स्टोर रूम में आपने मेरा हाथ पकड़ा था चाची। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुननी चाची, चाची सुनिए। कहाँ जा रही थी तुम? मैंने कहा था ना वहीं बैठना। युवराज वो कमान संध्या, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो तुम? लेकिन कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम समझ कर भी समझ नहीं पाते, या फिर कभी कभी हम तो समझ जाते हैं और अपने सामने वाले इंसान को समझा ही नहीं पाते। दिन स्टोर रूम में सुनी चाची ही थी। सुनी चाची सच क्यों नहीं बोलना चाहती? अगर संध्या को कभी भी इस बात का पता चला तो पूरा कोई नहीं होगा। उसके पापा का देहांत हो गया। क्या? पापा तो चले गए, उनका घर वैसे ही पड़ा है। इससे अच्छा है किसी अच्छे से वकील से बात कर वो घर बेच देते। तुम्हारी वजह से संध्या के बाबा की मौत हुई है।